हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी, बताएं। हरे हरे कृष्णा माता जी। वीडियो तो ऑन कर लो क्या? आपका। हाँ, वीडियो वीडियो तो ऑन कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्या आए नहीं प्रभु जी? ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा वायरल लग रहा था इसलिए नहीं है अच्छा, थोड़ा जी। देर में आ जाना, प्रसाद तो ले लो साथ में, थोड़ा देर में आ जाएगा। क्लास खत्म होगी ना तो आ जाएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा परम प्रेष्ठा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नरसिंह स्तुति माता जी दंडवत प्रणाम। ये अनुराग प्रभु जी वीडियो ऑन रखो ना, हमको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आप लोग पढ़ रहे हो। और बाकी लोग जो जो कर सकते हैं जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा आज ऑस्पिशियस डे है। हाँ ठीक है, तो आज की आज का माता जी, देखो रितु माता जी भी है साथ में। कितना अच्छा आना चाहिए ना, यहाँ पे दोनों लोग आ जाओ फटाफट। प्रसाद के लिए आ जाना, सब लोग प्रसाद के लिए चले जाना, ठीक है ना? ठीक है, तभी क्लास में वीडियो ऑन रखिए अनुराग प्रभु जी, हमें भी अच्छा लगता है आपको देख के। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बता दे रहे हैं कि अभी हमने भगवद गीता 9 डेज का जो है कोर्स कंप्लीट किया। भगवद गीता 9 डेज है ना, ये आपकी ननद। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम पायल? ओहो, तो पायल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की क्लास में हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वेदिका। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा, आप कहाँ से ज्वाइन किए बेटा? माता जी घर से, हाँ माता जी घर से। हाँ वो तो बहुत अच्छा जवाब है, घर से। कहाँ घर से? नोएडा सही है। अच्छा हाँ माता, ठीक है। अच्छा, उनकी उसकी छोटी बहन हो क्या आप? हाँ माता जी, देवी काफी। देविका की ना, देविका की। ओ, सभी रिजेंबल कर रही है। देविका कहाँ है भाई, आज आए नहीं आप लोग? माता जी माता जी ग्रुप पे लिखा था ऑनलाइन क्लास है, तो मुझे लगा ऑनलाइन ही होगी आज क्लास। क्लास ऑनलाइन नहीं होती हमेशा, या ऑनलाइन भी होती है ऑफलाइन भी होती है, ठीक है? आप लोग आया करो क्लास में, है ना? अभी कहाँ हाँ, हो? चाचा के पास हो, किधर हो, घर पे हो? नहीं घर पे है माता जी। अच्छा मामा अच्छा तो ब्रजमंडल परिक्रमा में गए हुए हैं। अच्छा 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 चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। तो 9 डेज भगवद गीता कोर्स में हमने ये बताया कि हरि बोल, 9 डेज भगवद गीता क्लास में हमने ये समझाया कि कैसे भगवद गीता का हम सार रूप में समझ सकते हैं, राइट? आप सबने बच्चे अच्छे से एग्जाम दिया, सब अच्छे से पास हुए, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। ये जो नॉलेज है भगवद गीता का, ये बहुत ही उपादेय लाइफ के लिए, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख या क्लाइमेटीज आती हैं, कोई भी दुख आता है हमारे जीवन में, उस समय क्या होता है ना, फिलोसफी काम आती है, ना ही किसी प्रकार का आप सामर्थ्य रहता है आपको कि उस चीज को आप हैंडल कर सके। उस समय अगर आपने थोड़ा सा भी साधु संग किया है या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज लिया है, उस समय क्या होता है, भगवान का जो नाम है या भगवान के प्रति शरणागति है, या अर्जुन की तरह ये कहना कि अब भगवान आप बताइए कि क्या है, आप हमें सहायता कीजिए कि अब हम क्या करें, ये चीजें ही भक्ति में जब क्लैमिटीज आती है तो काम जब दुख का समय आता है, जैसे कि मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं और अभी 30-40 लोगों ने हमला कर दिया आपकी कार पे, व्हाट कैन यू डू? हेल्पलेस ना, हेल्पलेस रहेंगे हम उस समय। कौन सी फिलोसफी याद आने वाली है कि आज हमको भगवद्गीता का ये श्लोक याद आ रहा है? कुछ नहीं आता ना? अगर हमने संग अच्छे से किया है और अगर हम हरि नाम कर रहे हैं, तो हम ये भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान को मन से पुकार सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर हमने पढ़ा है तो क्या है कि भगवान हमारे साथ हमेशा
रहते हैं, हमारे पास रहे, है ना। तो संघ का ये जो क्लासेस होती हैं या भक्ति करने का मतलब क्या है, ये समझना कि ऐसे व्यक्ति का हम संग करें जो सहायता कर सके, है ना। इसको कहते हैं आश्रय। आश्रय सब समझते हैं, शरणागत। आप हम अपने जीवन में दुखों से निपटने के लिए या अपने अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी कह लीजिए, बहुत से लोगों का आश्रय है, शरणागत। कि हाँ, मदर फादर है, हस्बैंड है ना, फ्रेंड है, नेबर्स है, हमारे सगे संबंधी हैं। एक्चुअल में शास्त्र हमारे बताते हैं, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता बताते हैं कि जीव की मदद कोई नहीं कर सकता, जीव की मदद कोई नहीं कर सकता। जीव किसका अंश है ये समझ, जीव भगवान कृष्ण का अंश है, भगवान ने बताया। हम हैं कौन, है ना, हम जिसके हैं उसी के रहेंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना। जैसे अभी ये एसी लगाओ, ठीक है ना, एसी का अगर कोई पार्ट निकाल दे छोटा सा, उस पार्ट का अपना कोई वैल्यू रहेगा, उस पार्ट का अपना कोई वैल्यू नहीं। अगर उस एसी के पार्ट को हम यहाँ इसमें लगाने की कोशिश करें, या लैपटॉप में लगाने की कोशिश करें, या मोबाइल में लगाने की कोशिश करें, यूजलेस है ना, है ना, उसका कोई महत्व है नहीं। लेकिन हम उसी छोटे से पार्ट को अगर एसी में लगा दे तो क्या होगा, यूज हो जाएगा। तो वो पार्ट कहीं और जाके सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा, वो पार्ट जब वो एसी में लगेगा तभी वो ठीक से वर्क भी करेगा और अच्छा भी, है ना। इसी तरह हम भगवान के हैं, भगवान ने डिक्लेयर किया है भगवद गीता में कि जीव मेरा अंश है ना। लेकिन हम भूल गए, हम सोचते हैं ये व्यक्ति हमारा हमको बचा लेगा, ये व्यक्ति है इसके हम है, इसके हम है, क्योंकि शरीर धारण करते तो सोचते हैं ये व्यक्ति हेल्प करेगा, ये व्यक्ति हेल्प करेगा। लेकिन जब हम अपने संस्कार, अपनी भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो ये हमें एक आश्रय तत्व देते, ये बताते हैं आप हैं कौन, यू बिलोंग टू कृष्णा। जब मैंने ये शब्द पढ़ा था कि हम जो है भगवान कृष्ण के अंश हैं, मुझे लगा कि मतलब भगवान जो प्लान कर रहे हैं, या भगवान की जो प्लानिंग है इस भौतिक जगत के लिए या आध्यात्मिक जगत के लिए, उसमें हम एक पार्ट है। इट्स अ बिग थिंग, नहीं है कि हम भगवान के जो क्रिएशन है, या भगवान की थिंकिंग है, या भगवान के कार्य हैं, उनमें हम एक पार्ट है। तो ये कितना बड़ा हमारा मतलब समझिए मतलब भाग्य है कि हम किसके हैं, भगवान के हैं। इतने सुंदर भगवान, इतने सर्वशक्तिमान भगवान, सच्चिदानंद भगवान, सुंदर भगवान, ऐश्वर्यमान भगवान, परम ज्ञानी भगवान, कितने गुण बताए, है ना, उनके हम पार्ट हैं। तो जब तक हम इधर जुड़ेंगे, इधर जुड़ेंगे, इधर जुड़ेंगे, कुछ भी कर ले, तो अच्छा नौकरी कर ले, अच्छा जन्म ले ले, है ना, बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ भी हो जाए, वाइफ भी है, बच्चे भी है, सब जो एक सक्सेसफुल के लिए होना चाहिए, तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं रहे, है ना। हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते क्योंकि हम उसके पार्ट नहीं। इसीलिए आप देखिए कि जब हम कोई एम बनाते हैं, एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है ना, क्या बीमारी होती है, कि यू डिसाइड सम एम, कुछ लक्ष्य आपने बनाया है, व्हेन यू अचीव दैट थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, अगेन यू फील डिप्रेशन। आप कोई भी लक्ष्य बनाइए, जैसे आपको छोटे हैं
हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को जब हम त्यागते हैं, है ना, मृत्यु जब आती है, तो उस समय जैसे हमारी कॉन्शियसनेस रहती है वैसा नेक्स्ट शरीर हमको मिल रहा है ना। तो मान लीजिए हमारी कॉन्शियसनेस शरीर में ही है, यानी यही भौतिक जगत में रहने वाले, भौतिक जगत में वापस हमको रहना पड़ेगा। तो फिर से वही जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का दुख लगा रहे हैं, है ना। तो जीव इससे निकल नहीं पाता, ये चक्र में घूमता रहता है ना, और अनादि काल से घूमता रहता है। और अपना जो वास्तविक लक्ष्य है भगवान का वापस प्रेम प्राप्त करना या अपने घर वापस जाना, वो उसको कोई बताता नहीं। ये सारा ज्ञान कि हम हैं कौन, हम भगवान के हैं, ये सारा ज्ञान शास्त्र में हमें पता चलता है। तो जब हम अपना आश्रय तत्व जो है वो भगवान को बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है, जब हम भगवान को अपने जीवन में आश्रय तत्व के रूप में लेने लगते हैं, तो हम सही व्यक्ति का मतलब हाथ पकड़ लें। मैंने बताया जब आपके जीवन में दुख आएगा या क्लैमिटीज आती है, अचानक से कुछ हो जाता है ना, बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं, कोई आपको ये कुंती महारानी कोई याद नहीं आए, है ना, भगवान का नाम भी शायद ही निकले, बचाओ ही तो बोलोगे भगवान का नाम भी शायद, है ना। लेकिन अगर हम ठीक से पढ़े हैं, भक्तों का संग किए हैं, तो ये जो हरि नाम हम चैंट करते हैं ना, तो हमको एक चीज आएगी कि मन ही मन भगवान की शरणागति को स्वीकार, मन ही मन भगवान की शरणागति को स्वीकार। जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, अवश्य रक्षे में कृष्ण, भगवान जैसी मदद करेंगे वैसी मदद करेंगे। तो भक्तों के जीवन में बहुत से दुख आते हैं, है ना, केवल प्रहलाद मरा, ध्रुव मरा, जिनके जीवन में नहीं आए, आज के जीवन में भी भक्तों के जीवन में दुख आए हैं। उन्होंने भगवान को स्मरण किया किसी भी तरह से, है ना, और भगवान ने उनकी रक्षा की। मेरे साथ हुआ था, पार्ट बहुत छोटा था, उसको स्कूल छोड़ने गए थे हम, है ना, स्कूल छोड़ के वापस आ रहे थे, और एक बाइक वाले ने आके इतना बुरी तरह हिट कर दिया, पूरा फ्रैक्चर, पूरा है ना, यहाँ से कट गया, पूरा ये है, पैर फट गया, पैर टांग दोनों टूट के, हड्डियां बाहर आ गई, मतलब बहुत भयानक, रोड पे गिरे, क्या कर सकते थे। मेरे हाथ में माला थी, क्योंकि वो 7 बजे 7:15 बजे जाता था, तो मेरी चैंटिंग कंप्लीट नहीं होती थी, मैं चैंटिंग हमेशा करती रही, हालत खराब, ठीक है ना। उस समय मुझे सिर्फ एक ही चीज थी, क्योंकि मैं इतना पढ़ रही थी, तो मुझे ये था कि अगर मारे ये लास्ट स्टेज है मेरी, मुझे बस इतना लग रहा था कि शायद, तब क्योंकि बिल्कुल ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा था यहाँ से, और मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धीरे धीरे शट डाउन हो रहे, मेरे हाथ में जो माला थी मुझे बस इतना ही था, मेरी 16 माला नहीं हुई, आई कांट कंप्लीट माई 16 माला। और उसी के थोड़े दिन पहले गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आए थे, वो बता रहे थे कि उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा बीमार है, ये है, उनका कल देहांत हो गया अचानक से। तो महाराज ने, उनकी शिष्या थी वो भी, उनकी मदर भी, तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, उन्होंने 16 राउंड कंप्लीट कर ली थी, मैं वहां पे गुरु महाराज की कुछ सेवा कर रही थी। मैंने जब सुना ये बात कि देखो कोई व्यक्ति मर गया है, लेकिन महाराज पूछ रहे कि उसने 16 राउंड कंप्लीट की थी कि नहीं, तब मुझे ये बात समझ में आई थी कि 16 माला करना बहुत जरूरी, थोड़े भी नहीं पहले। तो मेरे दिमाग में कहीं स्ट्राइक था, और इतने अंदर तक था कि मुझे उस समय ये बात याद आ रही थी, और कुछ नहीं याद आ रहा था ना, मुझे भगवद गीता याद आ रही थी ना कुछ आ रहा था, बस मुझे ये था मैंने 16 माला नहीं की है और मैं यही रह जाऊं, है ना, मैंने 16 माला की नहीं है, मैं यही रह जाऊं, और शट डाउन होने के पहले बस इतना ही था। लेकिन भगवान, मैंने कहा भगवान मैंने जो भी किया आपको ऑफर है, और पता नहीं अब आपका नाम भी ले पाऊंगी कि नहीं। तो क्लैमिटीज के समय मुझे पता है हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, कोई फिलोसफी याद नहीं आती है, लेकिन एक जो भक्तों के संग में एक शरणागति होती है, बिकॉज वी नो द आश्रय तत्व, मदद के लिए किसको पुकारना है ना, तो ये कहीं फिक्स हो गया था। तो ये आप जब चैंटिंग करते हो तो आपको पता नहीं है, ये रोज आप भगवान के प्रति शरणागति हो रहे, क्यों, क्योंकि बाकी चीजों को छोड़कर आप क्या कर रहे हैं, चैंटिंग कर, समझ रहे हैं। तो चैंटिंग कोई आसान मतलब नॉर्मल चीज नहीं है, इसलिए हमेशा चैंटिंग कर रहे हैं। आपको अभी पता नहीं चल रहा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, आपकी चेतना में क्या चेंजेस आ रही है, या कौन सा व्यक्ति आपको हेल्प कर सकता है, इसलिए डू योर चैंटिंग अटेंटिवली एटलीस्ट,
है ना, भक्ति बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, मजाक का विषय नहीं। हमारी गुरु बहन है दमयंती माता जी, बहुत बीमार है, लास्ट स्टेज में है, एडमिट है। कल गुरु महाराज गए थे उनसे मिलने के लिए, मैंने वो वीडियो डाली है, आप लोग देखिएगा उसको, कैसे महाराज उनको चरणा में पिला रहे हैं, कर रहे हैं, और कैसे उनको बोल रहे हैं कि भगवान, वो ऑलरेडी चैंटिंग कर रही है, ले रही है नाम, विदेशी है, रशियन है माता जी, पूरा दिन हमेशा वृंदावन में रही है, सेवा की है गुरु महाराज की, सोचिए रशियन रशियन माता जी। तो हम उनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे, तो हम एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं आज के दिन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो वृंदावन धाम में है, कितने गुरु महाराज लोग आके उनको मिल रहे हैं, कितने वैष्णवाज उनके पास हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत इजी चीज है, इतना आसान नहीं है ना, बहुत पुण्य होते हैं तब कोई ऐसा संग प्राप्त करता है। ये तो आप सोचिए, आजकल अगर आप मुझे हॉस्पिटल में कितने बार बच्चे आपको देखने जाने वाले, हमेशा कोई ना कोई वैष्णव आते जाते रहते हैं, करते रहते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भक्ति जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बार 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 कह रही थी कि जब आपके पास क्लाइमेटीज आती है, जीवन में दुख आएगा, अचानक से आएगा, अगर हमको कहीं से अपने साधु संघ से नरिशमेंट है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो आप जरूर कृष्ण को प्राप्त करें, उस समय आप भगवान का आश्रय लेंगे, जैसे अर्जुन ने लिया। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर समझ रहा था और उसको युद्ध करने में प्रॉब्लम हो रही थी अपने लोगों से ना, वो यही कह रहा था कि भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं आपकी शरण ग्रहण करूं। सचेस्ट सचेस्ट बैठो, यहाँ पे इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ, यहाँ पे बैठो, अब एकदम आवाज नहीं निकलेगी, ओके, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस तरह से ये हमने देखा, तो भगवत गीता में जब हमने ये पढ़ा, तो भगवत गीता में हमने ये क्या सीखा कि आश्रय तत्व भगवान है ना, ईश्वर कौन है? कृष्ण है, और हम उनके अंश हैं, अगर हम उनकी शरणागति में रहेंगे तो ही हम सुखी रह सकते, सिंपल सी बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी चीज हम ग्रंथ पढ़ रहे थे, वो है कुंती महारानी की शिक्षाएं, ये पढ़ रहे, ये श्रीमद् भागवतम से लिया। तो हमारे भारतीय कल्चर में या सनातन कल्चर में दो ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है भगवद गीता और दूसरी श्रीमद् भागवत। भगवद गीता वो ग्रंथ है जिसमें भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय उपदेश दिया, ठीक है, और श्रीमद् भागवतम जो है ये है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जो कथा सुनी। परीक्षित महाराज जो थे, जो आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज के आगे वंशज में परीक्षित महाराज आए, जब भगवान ने पांडवों को स्थापित कर दिया, पांडवों लोग भी अपने अपने गंतव्य को चले गए, है ना, जब शरीर त्याग हो गया उनका, तो परीक्षित महाराज को राजा बनाएंगे। परीक्षित महाराज बहुत ही प्रतापी राजा थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने, लेकिन लास्ट में उनको श्राप मिल जाता है ना, तो क्या उनको श्राप मिलता है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने फिर प्रतिकार नहीं किया, अगर हमें कोई पता चले हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम तो डिप्रेशन में आएंगे और भी गाने गाएंगे है ना, और फिर खाए क्या, खा ले क्या, कर ले कितनी सेक्स लाइफ जी ले, है ना, यही सब सोचते रहेंगे। तो ये जीवन के लिए जरूरी नहीं। परीक्षित महाराज ने कहा, ये मेरे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भगवान ने क्या किया है पहले से मुझे बता दिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, साधु संग करूंगा जो मैं कर नहीं पा रहा। फिर वो गंगा के तीर पे गए और सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो आए और उन्होंने उनको भगवान की लीलाएं सुनाई, कथा सुनाई भगवान की, और उन्होंने बहुत तरह की भगवान की जो लीलाएं हैं कथाएं हैं सुनी, और सुनने के बाद वो लास्ट में भगवत धाम प्राप्त। तो श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने जो है वो सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम यानी भगवान की लीलाओं को सुनाया है, ठीक है, क्लियर हो। तो भगवद गीता और भागवतम में ये अंतर है, भगवद गीता में 700 श्लोक है और श्रीमद् भागवतम में 18
18,000। वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। 18,000 श्लोक, और इसमें भागवतम में हम भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं, अलग अलग भक्तों ने, ऐसे भगवत गीता में भगवान ने एक सूत्र लिख दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक सिद्धांत बताएगा हमें शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, तो जिन्होंने खाया उनका क्या हुआ। इसमें कहानियां हैं जो भगवान ने सिद्धांत दिए हैं, उनकी स्टोरीज है कि उन्होंने उसको पालन किया तो हुआ क्या ना, तो उसको सुनने से क्या होता है हमारे जीवन। तो सबसे इम्पोर्टेंट थी पांडवों की माता कुंती, कुंती महारानी जो थी पांडवों की, पांच पांडव थे उनकी माता थी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रतापी मेधावी और बहुत ही भगवान कृष्ण की शुद्ध माता, यशस्वी माता थे, अच्छे माता पिता थे, अच्छे पति थे, पांच पांडवों की माता थी, है ना, और यशस्वी जीवन, लेकिन पूरा जीवन दुख में बीता, जो दुख हम सोच भी नहीं सकते वो भी दुख उनको उनके जीवन में मिले। उनकी पुत्र वधु को भी क्या किया गया, चीरहरण करने की कोशिश की, रेप इन द सिंपल सेंस बोलते है ना, इतने बड़े होके भी, इतने हर चीज से ऑपुलेंस होके भी, है ना, उनके जीवन में हर तरह के दुख, बच्चों को मारने की कोशिश, पति बहुत कम उम्र में चले गए, बस जितनी क्लामिटीज आप सोच भी नहीं सकते वो क्लामिटीज उन्होंने अपने जीवन में देखा। और जीवन भर, हाँ जीवन भर, और फिर वो गई कुरुवंश में, और वहां धृतराष्ट्र के अंडर में उनको रहना पड़ता था क्योंकि पति का देहांत हो गया था। आप सोच सकते हैं कि कौरव लोग या धृतराष्ट्र लोग कैसे उनके साथ पक्षपात हर समय करते थे, और उस परिस्थिति में, और कैसा पक्षपात, हमारे बच्चे को अगर कोई थप्पड़ मार दे हम अपने परिवार से अलग हो जाएंगे, है ना, भीष्म को जहर दे के मारा गया, लाक्षागृह में जलाया गया, क्या क्या नहीं हुआ, आप सोच के देखिए, है ना, इतनी एक्सट्रीम पे चीजें हुई, युद्ध करते थे हर समय, यही प्लानिंग करते थे कैसे इनको मार देगी, है ना, और जब इन्होंने पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे तो उस समय भी वो अलग अलग षड्यंत्र दुर्योधन जो है रचता था, है ना, तो इस तरह के दुखों के बीच में भी उन्होंने कभी कृष्ण से ये नहीं कहा कि कृष्ण मैं तो तुम्हारी भक्त हूँ, तुमने मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो, है ना, वो सदैव भगवान के प्रति शरणागत रही और एक एग्जाम्पलरी प्रेजेंट किया अपने बच्चों के लिए, इसलिए उनके बच्चे भी सदैव भगवान कृष्ण के भक्त। तो जीवन में क्लैमिटीज तो आई, मतलब दुख तो आया, और एक्सट्रीम दुख आया पांडवों के उसमें, आप जब कथा पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो उन्होंने जब भगवान की शरण ग्रहण की तो भगवान ने उनको हर परिस्थिति से निकाला भी, बाद में वो भगवत धाम में गए, है ना। तो कुंती महारानी जो है, ये जो बुक है, ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है। भागवतम में कुल कितने स्कंद हैं, स्कंद नहीं, कितने वो बुक्स हैं, 18, 18, 18, 18 स्कंद है, 12 12 स्कंद है, सॉरी 12, 12 स्कंद है। 12 स्कंद है, और भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18, मैं गीता बोल रही थी, भगवत भागवतम निकल, भगवत गीता में 18 चैप्टर है, चैप्टर चलते हैं, और भागवतम में स्कंद चलते हैं, स्कंद होते हैं, ठीक है ना, चैप्टर तो बहुत हो जाएंगे, भगवत भागवतम में 12 स्कंद होते हैं, ठीक है ना, और उसमें 700 श्लोक होते हैं, और इसमें श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक होते हैं, उसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ, और ये भगवान और भक्तों की कथाएं हैं, मेनली परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के बीच में गंगा के तीर में। तो कुंती महारानी जो है, अब युद्ध हो चुका है, भगवत जैसे पढ़ा ना आपने भगवत गीता में, वो युद्ध हो गया, जीत गए, युधिष्ठिर को भगवान ने राजा बना दिया, राजा बनाने के बाद सबका अंतिम संस्कार किया कि बहुत लोग मरे थे ना, तो जो युद्ध के लोगों को सब कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, अब भगवान ने कहा मुझे वापस जाना है, भाई मेरा भी परिवार है, आप दो चार 10 लोग, है ना, 16,108 रानियां हमारी है, इतना बड़ा परिवार है, वहां पर भी जाना है, तो भगवान जो है अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान जब बाहर निकलते हैं तो कुंती महारानी रोने लगती है, कुंती महारानी रोने लगती है और कहती है भगवान अभी मत जाए, क्यों, क्योंकि आपने युद्ध कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन अभी भी जो राजा लोग जो है वो तो शत्रु बने ही हुए हैं, और जब दुख में आप हमेशा साथ में रहे, और जब सुख के दिन आए तो आपने छोड़ दी, इससे बेटर है कि आप मुझे दुख,
कुंती महारानी जैसे जब भगवान जा रहे हैं और कुंती महारानी जो है वो प्रेयर्स कर रही है कि भगवान मत जाइए, और उन्होंने वो प्रेयर्स किए हैं वो श्रीमद् भागवतम में है। तो श्री प्रभुपाद ने इसको एक स्मॉल बुक में भी लिखा है कि पूरी भागवतम ना भी पढ़ सके तो कम से कम ये सेक्शन पढ़िए। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सी डिवोटी ने बहुत सी प्रार्थनाएं भगवान के लिए की है, एक से एक धुरंधर, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पृथु महाराज, बहुत से धुरंधर भक्तों ने, भीष्म पितामह, ऐसे बहुत से शुद्ध भक्तों ने, आपके नारद मुनि क्या सर, सारे महाजन को ले लीजिए आप, है ना, हर चैप्टर में एक से एक स्तुतियां हैं। लेकिन व्यास देव ने सबसे प्रथम स्थान कुंती महारानी की प्रेयर्स को दिया। जब पहला शुरू होता है श्रीमद् भागवतम तो पहले व्यक्ति की जो प्रार्थना है वो कुंती महारानी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या रीजन है कि कुंती महारानी की शिक्षाओं को स्त्री होकर भी व्यास देव ने सबसे प्रथम स्थान। कुंती महारानी ऐसे ऐसे रीजंस रखती हैं, ऐसे ऐसी बातें बताती हैं जो हमारे लिए एज ए जीव वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन कथाओं को हम पालन करें ना करें वो बहुत दूर की बात है, अगर हम सुन भी देते हैं तो बहुत भाग्य होता है। जब किसी वैष्णव का संग होता है ना तो कोई भी किसी जीव का इतना भाग्य नहीं होगा, लेकिन अगर भक्तों का संग रहता है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसका करने के लिए, है ना। जैसे कि लकड़ी का संग मिलता है तो जो लोहा का हत्ता होता है या चम्मच होती है उसको हम आराम से चला पाते हैं, है ना, तो उसको एसोसिएशन मिलता है ना, तो आराम से वो हैंडल वजह से कर सकते हैं। भक्तों का संग मिलने से इस जो बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए गोपनीय या बहुत ऑस्पिशियस ज्ञान है सनातन धर्म, और भी श्री प्रभुपाद का अगर स्कॉन का संग मिलता है तो बहुत ही रेयर हो, उसमें भी अच्छा संग स्कॉन में भी बहुत कुछ होता है लेकिन इसमें भी अच्छा संग होना वो और रेयर है ना। तो इसलिए इफ यू आर वेरी फॉर्चुनेट देन यू हैव टू रेड। हम लोग ने कुंती महारानी की शिक्षाएं वो ग्रंथ शुरू किया था, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसमें इसमें 26 श्लोक है, एक आपके पास होगा तो दे दीजिए। 26 अध्याय है कुंती महारानी की शिक्षाओं में, तो ये ग्रंथ आप ले लीजिएगा। हम लोग ने 13 पढ़ना है आज, 13 कवर कर लिया था, आज हम 14 14 जो है वो करेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग मोबाइल से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वो ज्यादा अच्छे से दिखाई दे, मोबाइल से और लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग आराम से देख लीजिए। हमने आपको लिंक भेजा है, ग्रुप पे भी है ना, तो आप लोग अपने मोबाइल से भी देखिए ताकि ये बुक आप लोग देख सकें। कुंती महारानी की जो शिक्षाएं ये है कि कई रीजन उन्होंने दिए, जो पहला था कुंती महारानी कहते नमस्ते पुरुषम तमादि ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर व्यवस्थितम। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिवर्धिनस्तुति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कुंती महारानी की जो पहली प्रेयर्स है वो क्या है, मैंने गाया। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषम त्वमादि ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्व्यवस्थितम् माया जन्मिकाक्षण्य अदोक्षजम् अव्ययम् लक्ष्यस्ते मूढदृष्ट नटो नाट्ययतोधरा तथा परमहंसानां मुनीनामममलात्मना भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्यमे हि स्त्रियः। आप लोग के लिए राजेश्वरी राजेश्वरी जो है वो आप लोगों को लिंक डाल देगी, आगे की क्लासेस जो है उनकी लिंक डाल देगा, आप लोग एक एक करके सुनते रहिएगा। और भगवत गीता की जो क्लास हुई है, भगवत गीता की जो क्लास हुई है उसका भी लिंक डाल दीजिए ग्रुप में ताकि जो लोग आगे सुनना चाहें। 9 डेज भगवत गीता क्लास लिंक डाल दीजिएगा, और इसका
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज जानते। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन प्रवर्ति सुचर्पिता विमोचिताहं स आत्मजा विबोध नाथेन मुहुरति पत्कर। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं, हम लोग 14 पर आ जाते हैं। देखिए, आज इतने सालों बाद ये श्रीमद् भागवतम जो है, जब भगवान ने ये शरीर यहाँ से भौतिक जगत से अंतर ध्यान किया, अपने धाम चले गए भगवान, तो लोगों की रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने भागवतम में प्रवेश किया। तो श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, हम इतने दिनों बाद पढ़ रहे हैं। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? दामोदर लीला देख रहे हैं, 14वां श्लोक है। कौन सा है ना? उतने श्लोकों में 14, जैसे श्रीमद् भागवतम, आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो वो आपके उसके हिसाब से ही चलेगा। आदि 14वां श्लोक देखते हैं। गोप्याद देत्वयि कृतापसि दाम तावद याते दृशा शुक्ललित जन संभ्राम क्षम वक्तम नियम भक्त भावन स्थितस्य सामा विमोह यत् श्रीरपि यत् विभेति। श्रीमद् भागवतम 1:8:39, पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 31 श्लोक। हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई थी तो आपकी आंखें डड़बड़ा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल खुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात्काल भयभीत रहता है, किंतु आप उस समय भयभीत होते। यद्यपि आपसे साक्षात्काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत होते हैं। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो है, जस्ट पिछले श्लोक में बोलती हैं कि विश्वात्मना, भगवान आप जो है, आपकी लीलाएं ऐसी हैं या आपका तत्व ऐसा है। तत्वतः भगवान को जानना बोले इतना डिफिकल्ट है कि केवल साधु ही। हरि बोल, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना? भगवान का जन्म कर्म बहुत दिव्य होता है, क्योंकि केवल भक्त ही समझ सकते। तो कैसे भगवान की चीजें समझ में नहीं आती हैं, भक्तों को समझ में आती हैं? तो लीला बता रही कि भगवान आपकी लीलाओं को समझने के लिए तो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, तो मेरी जैसी स्त्री क्या समझेगी? और वही स्त्री भगवान के तत्व के बारे में बता रही है, तो इनकी विनम्रता है ना? तो कुंती महारानी बोलती है कि हे भगवान, जब आप छोटे थे ना, तो आप क्या करते थे? सबके घरों में जाके माखन खाते, घर घर में जाके आप क्या करते थे? माखन चुरा के खाते थे। और आज दिवाली का दिन, दिवाली के दिन में क्या हुआ? दिवाली के दिन में आज भगवान ने अपने घर में चोरी की, ठीक है ना? भगवान ने क्या किया? अपने घर में चोरी की, ठीक है ना? भगवान ने अपने घर में चोरी करके क्या कर रहे हैं? मटकी उटकी फोड़ दी है। अच्छा, फोड़ फाड़ दी है, पता है कि क्या होने वाला है ना? तो जिस भगवान के आंखों की भ्रुकुटी से, है ना, इतने बड़े बड़े देवता डरते हैं, वायु वाले, सूर्य, सूर्य देवता, वायु, इंद्र, भगवान से डरते हैं, आज उनकी आंखों में आतंक है। क्यों? माँ ने आज लठिया उठाई है, और क्या किया है? लठिया उठा के दोनों को बांध दिया है। दोनों के लिए दामोदर लीला होनी चाहिए। दामोदर लीला,
दामोदर लीला होनी चाहिए। तो दामोदर लीला में भगवान कहे, दम माने पेट है ना, दामोदर दाम मतलब रस्सी और उदर माने पेट। नहीं बना सुल्टा येलो के चक्कर में नहीं हो सकता। मोदर मतलब क्या हुआ, दाम माने रस्सी उधर से बांधना। तो जब वो इतनी बदमाशी की थी, भगवान ने आज उखल से किसको बांध दिया, भगवान को बांध दिया। भगवान को बांधा जा सकता है? आज जब ये लीला हो रही थी तो सारे जो देवी देवता थे वो आए कि अरे जिसको नसीब में भी बंधन नहीं है उनको बांधने वाला कौन है। ये लीला बहुत अद्भुत है ना। और जिससे देवता भी डरते हैं, इंद्र वगैरह ऐसे भ्रिकुटी कर दे तो बस उनकी हवा खराब हो जाती है, उनकी आंखों में आज आतंक है। आतंक मतलब डरे हुए हैं। और भगवान जब ऐसा नहीं कि कोई कर रहे तो नाटक कर रहे हैं ऐसा वैसे ही आर्टिफिशियल से कर रहे हैं, नहीं, भगवान जब कोई भी ड्रामा करते हैं तो पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं, ड्रामा में पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं। सच में उनकी आंखों में आतंक था, है ना, वो डरे हुए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा कि अब माँ मारेगी तो क्या करते, बच्चे रोने लगते हैं, है ना, बच्चे एक ही काम करते रोने लगते हैं। अब भगवान रोना शुरू किए, सुंदर भगवान उनके काजल लगे हुए हैं, वो जब ऐसे ऐसे रोते हैं सिसकी ले लेके रो रहे हैं, तो उनके पूरे आग का जो काजल है वो फैल गया है और सुंदर मुख पे वो काजल बहुत सुंदर लग रहा है, गुलरंगे बाल है और एकदम डरे हुए, है ना। तो वही दामोदर लीला का जब भी आप लोग ने देख रहे थे, भगवान का वो सुंदर मुख जो है वो याद कर रही है, कौन याद कर रही है, कुंती महारानी, क्योंकि कुंती महारानी उस समय वही थी, जी लीला हो रही थी तो कुंती महारानी वही थी, ब्रज में थी, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने देखा था ये सब, तो कह रही थी कि कितनी विस्मय करने वाली बात है, आप भगवान है, पूरी दुनिया के मालिक हैं आप, है ना, आप सच्चिदानंद हैं, सब कुछ क्रिएट करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, सब चीज डिस्ट्रॉय करते हैं, और आप भयभीत है, इतना अलग चीज है ना, जिससे सारी दुनिया भयभीत रहती है वो भयभीत था, टकराने वाली बात है ना। कोई नॉर्मल व्यक्ति देखेगा ये कैसा भगवान, ये तो मम्मी से डंडे खा रहा है, ये कौन सा भगवान है ना, ऐसा ऐसा सोच सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं। यहाँ पे जो कुंती महारानी क्या कह रही है कि भगवान आपने बहुत अपराध किए, क्या किया, पहले तो जाके चोरियां कर देते, जब लोग शिकायत करने के लिए आए तो यशोदा माँ ने सोचा कि सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना, जब इतनी तादाद में लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ करता हो, जिसके घर में 9 लाख गाय है वो दूसरों के घर में जाके चोरियां करके खाता है। तो यशोदा माँ ने कहा कि जरूर ये जो हमारी नौकरानियां है ना, ये ठीक से बनाती नहीं है, इनके कुछ गड़बड़ है। आज मैया ने दिवाली वाले दिन क्या सोचा, मैं खुद माखन निकाल, मैं खुद जो है वो प्रॉफिट करूंगी। तो मैया ने आज डिसीजन लिया कि मैं खुद जो है वो माखन निकालूंगी। मैया जो है माखन निकाल रही है, अपना दही मथ रही है और कृष्ण सोए हुए। फिर देखे आए मैया तो है नहीं, मम्मी कहाँ गई। फिर वहां से मैया मैया करते हुए आ गए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैया मुझे दूध पीना। तो मैया कह रही हाँ ठीक है मैं दूध पिलाती हूँ, मैं माखन जैसा निकाल लूँ, है ना। तभी उन्होंने देखा कि जो कृष्ण के लिए दूध आता था, कृष्ण का दूध कोई नॉर्मल दूध नहीं होता था, पद्मगंधा गाय का दूध होता था। हाँ पद्मगंधा गाय, उसके बारे में डिटेल है, वो गाय जितनी दुर्लभ है ना, उस गाय का दूध था और मैया ने उसको चढ़ा के रखा था। अब वो उबलने के हो रहा था, तो उबल के आग में गिरने वाला था। तो क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि दूध जो है उबल के गिरना नहीं चाहिए, अब शगुन माना जाता है। क्यों, क्योंकि दूध उबल के गिरता है तो आयु कम होती है बच्चे की, जो घर में बच्चा होता है उसकी आयु कम होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूध नहीं उबलना चाहिए। आदित्याचार्य प्रभु का रोज दूध उबलता है, इसीलिए बेचारे बैठा के चले जाएंगे और रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसके घर में बच्चे होते हैं क्या करना चाहिए कि उसको जलाना अच्छा नहीं माता चाहिए। तो जी, सुष्मिता माता जी का दोनों भी दूध उबलता है। अरे अच्छा आपका वो ध्यान बोलता रखें तो है।
क्या हुआ कि दूध जो है ऐसे उबलना नहीं चाहिए, तो दूध उबल के गिरने वाला था, तो माँ जो है क्योंकि वो दूध पीने के लिए कह रहे थे तो दूध पिला रही थी, तो फिर क्या हुआ वो वहां पे देखी कि दूध उबल रहा है, गिर जाएगा, अरे ये फिर हटा के भगवान को हटा के जाती है दूध उठाने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं मतलब लोग मेरे पास आने के लिए तरसते हैं, है ना, कितने साधु संत तपस्या करते हैं, जब जाके मेरा एक दीदार प्राप्त करते हैं, एक झलक झलक दिखलाते हैं है ना। और इनको देखो ये थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मुझे धरती पर फेंक के चली गई, मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब मैं इतना बड़ा भगवान, मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है। भगवान को गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने क्या किया, जितना मटकी था उठाया, काफी बड़ी मटकी थी पुरानी, उसको सिलबट्टा होता है ना, तो बट्टा जो होता है लकड़ी, लोहे सॉरी पत्थर का होता है ना टुकड़ा होता है, तो भगवान ने क्या किया देखा कि भाई इतना बड़ा मटका है फोड़े कैसे, तो नीचे से मारेंगे खट्टे से एकदम नीचे के पेनी से, अगर मारो तो फिर क्या होगा सारा निकल जाएगा, तो वहां खट से मारते, कितने छोटे हैं भगवान, अब बुद्धि कितनी है, खट से मारा पूरा दही चपड़ा के पूरा गिर गया माखन, है ना। और क्योंकि अब तो बहुत भयंकर हो गया आंगन में केस, अब तो मैया पीटेगी पता था, तो फिर क्या था भाग के गए और जहां पे माखन वगैरह पहले का बना हुआ था उस रूम में चले गए, और वहां पे जाके कहते हैं अब मैं जाऊंगा पुराना वाला माखन खाऊंगा, मेरा पेट खराब होगा तब इसको पता चलेगा कि हमको छोड़ के गई थी, अब इसको पता चलेगा मैया को कि मुझे जो है छोड़ छोड़ के चली गई थी। अच्छा ठीक है, फिर माँ भगवान जो जाते खाते हैं, और फिर बंदरों को बुलाते हैं, जितने बंदर आ जाते हैं सारे, ये वही है रामलीला वाले, राम जी को जो हेल्प किए थे, तो भगवान को उस समय तो कुछ दे नहीं पाए थे, आज बंदरों को बुला बुला के खिला रहे हैं, अब एक और पंचायत रखा हुआ भी सारा लुटवा रहे हैं। तो मैया जब वापस आई देखी कि ये क्या हो गया, और उसका पारा चढ़ गया, पूरा आंगन फैला हुआ उफला, तो क्या हुआ उस जो जा रहे थे उस पे छाप पड़ी थी, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है पूरा बिखर गया, उसके पैर में सारा चीज लग जाएगा ना, दही माखन लग जाएगा ना, जहां जहां चलेगा तो छाप पड़ेगी, तो माँ ने उसको अनुगमन करते हुए पता लगा लिया कि कहाँ गया वो, क्योंकि बड़ा घर था। तो आचार्य यहाँ पे टीका करते हैं कि जैसे भगवान चलते हैं है ना, तो भगवान के भक्त का अगर हम अनुगमन करें तो हम भगवत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यशोदा मैया ने क्या किया, भगवान के चरणों का अनुगमन किया, भगवान को खोज लिया ना। तो आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि जब हम भगवान के भक्तों का अनुगमन करते हैं, उनके संग में रहते हैं, उनसे सीखते हैं, तो क्या होता है हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह भगवान का वहां जाके तो और पूरा उत्पाद, पूरी मटकी, पूरा मक्खन, आप सोचिए माखन निकालना इतना आसान नहीं होता, इट्स टेक वेरी परिश्रम, बहुत हार्ड वर्क लगता है, और वो सारा एक में गिरा देना और स्टोर्ड भी सारा फेंक देना बहुत बड़ी बात थी। तो भगवान को जब ये ऐसा करते देखते हैं तब का आज तो इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सारे अरे मैया क्या कर रही है, बच्चे को क्या मारेगी क्या वो करेगी, नहीं आज तो मैं इसको बांध के रहूं। अब मैया ने ओखा लिया, पहले दौड़ा, अब जैसे ही मैया को देखे भगवान का तो पूरा डर के मारे, अब तो मेरी हालत, अब मैया ने छड़ी उठाई है, और भगवान आगे आगे मैया पीछे पीछे, भगवान आगे आगे दौड़ तो खूब रहे थे। फिर जब मैया थक गई, उनके पसीने पसीने हो गए, तो भगवान ने देखा कि माँ जो है वो थक गई है, तो वहां पे रुक जाते हैं और पकड़वा देते हैं अपने आप को, है ना। उसी तरह बोला जाता है कि जीव जब जो है प्रयास करता है ना, तो क्या होता है जीव भगवान जो है उसको अपनी प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। जब उनको पकड़ लिया, उनको रस्सी बांधने में भी दिक्कत, काफी बड़ी लीला उतना जाएंगे नहीं, भगवान को रस्सी बांधने में भी दिक्कत हुई, दो उंगली हमेशा छोटी हो जाती थी, पूरी ब्रज की रस्सी लग गई, मतलब तो वो मैया भी सोचे कि इसके कमर में जो ब्लैक धागा बंधा है, बच्चों के पेट में बांधते ना काला धागा, ये तो उतना ही छोटा है, और मेरे गौशाला की सारी रस्सियां लग गई, पड़ोसियों की भी रस्सा लग गई, और हमेशा दो उंगुला के छोटी हो जाए, गांठ ही ना बंधे, मैया इतनी परेशान, तो फिर भगवान ने कृपा की तो वो बंध गए। यानी भगवान के कोई बांध नहीं सकता, लेकिन
प्रेम से अगर कोई करे तो जीव से बंध जाए, भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाए। इस तरह से भगवान को बांधा और कहा दिन भर ये बंधा रहेगा और कोई भी नहीं खोलेगा, इसको कोई भी खोलेगा नहीं, है ना। तो उस समय क्या था, नंद बाबा जो थे वो बलराम जी के साथ बाहर गए, वो वहां पे थे नहीं। तभी बलराम जी भी आए, नंद बाबा भी आए, तो उन्होंने देखा ये सब क्या हो रहा है इतना कांड कैसे होता है, क्यों, क्योंकि फिर भगवान ने क्या किया उसमें लीला भी की, वो ओखल खींच के लेके गए और उनके घर में बहुत बड़ा दो नल कुबर का, नल कुबर को श्राप मिला था, वो पेड़ थे, पेड़ बन गए थे, तो उनके आंगन में ही थे, भगवान गए ओखल पीछे फंस गया, ऐसे ऐसे खींचे तो पूरा वो वृक्ष गिरा, बहुत पुराना वृक्ष था, बहुत बड़ा और विशाल था, जब गिरा तो बहुत तेज आवाज हुई, सारे लोग डर गए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तभी नंद बाबा आए और तुरंत खोल के उसको छाती से लगा दिया और अपने ये किसको बांध, किसने बांधा, है ना। तो पता चला कि ये ऐसा हरकतें थी, है ना। तो बलराम जी ने भी जब देखा तो मैया को बोला कि मैया इसको बंधन में बांध दियो तुम, है ना, तुमको पता है कि ये कौन है। इस बार छुड़ा हो गई, अब मैया मानेगी नहीं करेगी नहीं। अच्छा भगवान बलराम जी जाते हैं यशोदा मैया के पास, बोलते हैं आप जानती हैं ये कौन है, ये ही राम थे, एक तीर चला के रावण को मार दिया था, पूरी दुनिया को चलाना पालन करना और डिस्ट्रॉय कर रही है ना, और आप इनके साथ ये काम कर रही है ना। आपको पता है आपके घर में कौन कौन आया है, कि सारे सारे लोग मेरे ही घर में जन्म लेना है ना, ज्यादा बोलेगा तो इसी के बगल में तुमको भी बांध दूंगी। तो बलराम जी कहते हैं देखो भैया कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे चक्कर में मेरा भी दिक्कत होगा, अच्छा है तुम बंधे रहो, तुम इसी लायक है ना। फिर नंद बाबा जो है उनको उठाते हैं, करते हैं लोग क्या, तो इस तरह से ये दामोदर लीला हुई थी दिवाली वाले दिन। तो इस सुंदर सी लीला को सत्यव्रत मुनि नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने देखा, मेडिटेट किया और उस पर 8 श्लोक दामोदर अष्टकम लिखा, वही श्लोक जो है स्कॉन मंदिर में गाया था, नमामीश्वरम सच्चिदानंद, पहले हमने गाया था, अभी हम दीपदान भी करेंगे। तो इस तरह से कुंती महारानी यहाँ पे बोलती हैं कि एक तरफ आप भक्त, दूसरी तरफ आप खुद ही डरे हुए, आप बंधन में नहीं रह सकते और बंध जाते हैं, तो ऐसी लीलाओं को कैसे समझा जा सकता है जब तक किसी साधु का संग नहीं हो। बिना साधु के संग को भगवान को समझना बहुत मुश्किल है ना। भगवान एक तरफ कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी हैं और दूसरी तरफ गोपियों को छेड़ते हैं, कैसे समझोगे, है ना। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो भगवान को बोलते हैं नंद गोधन रखवाला, भगवान जो है अपने बाबा के जो गाय है ना, जो संपत्ति है उनको रक्षा करते हैं और दूसरी तरफ माताओं को छेड़ते हैं। आप सोचिए आपके घर की लड़की को कोई छेड़े आप उसके साथ क्या करने वाले हैं, बताएं, आप अपने घर बैठाएंगे उसको, हाँ नंद गोधन रखवाला उसकी पूजा करेंगे, सोच के देखिए भगवान के, और कितने छोटे हैं भगवान, है ना। तो सत्यव्रत मुनि जो है वो लिखते हैं कि लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, भगवान के जो कुंडल हैं वो लसत कुंडल मतलब हिल रहे हैं, कुंडल हिल रहे हैं तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी बात क्या है, आप इतना फोकस कर रहे हैं लसत कुंडलम, इसमें कौन सी क्या बड़ी बात है, ये कुंडल पहना तो हिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं नहीं, भगवान के कुंडल हिल रहे हैं मतलब अब वो चल सकते हैं, मतलब छोटे नहीं रहे हैं, जैसे पूतना का वध किया 3 दिन के थे शक्तासुर आया ऐसे पैर से मार दिया, शक्तासुर मर गया, तृणावत आया, है ना, तो भगवान बहुत छोटे थे तो उनके कुंडल हिलते नहीं थे, लेकिन अभी हिल रहे हैं मतलब वो चल सकते हैं, है ना। सब थोड़ा सा अलग अलग आचार्यों के पूरे टीके, बहुत सुंदर है दामोदर अष्टकम, हम इतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान जो है वो ये सारी लीलाएं जो करते हैं उसमें बहुत वही बातें होती हैं, भक्त इसे समझ सकते हैं
नॉर्मल हम देखने जाएंगे तो विरोधाभास नजर आए। इसलिए भगवान की लीलाओं को या भागवतम को या भगवद गीता को पढ़ने के लिए या कोई भी इंक्वायरी करने, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए किसी भी लोकल लोगों से नहीं पूछना चाहिए, भक्तों के पास जाके इंक्वायरी करने से सही राय मिले। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि तो वो समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया। अभी कुंती महारानी यही कह रही है कि भगवान आपकी ये जो लीलाएं थी इतनी उलझाने वाली थी कि हम, मैं भी देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप भगवान हैं और आपकी ये हालत, वो लीला हो रही है आपके साथ, तो मुझे सम्मान। सामान्य भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर को दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त से विशेष प्रसन्न रहते हैं और शुद्ध प्रेमवश भगवान को अपने कम महत्वपूर्ण समझते हैं। भक्ति प्रेम होता है तो वो उसकी भगवत्ता नहीं देखते हैं। जैसे यशोदा मैया कभी नहीं मानती थी कि वो भगवान है, वो हमेशा क्या सोचती थी, मेरा लाला है। और क्या था, क्योंकि नंद बाबा को पता था जब उन्होंने नाम संस्करण कराया था तो आके जो थे वो बताया था उन्होंने कि भैया ये आपका बेटा जो है साधारण बालक नहीं है, आपको हमेशा बचाएगा, रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट नारायण के समान ही इसका गुण है। मतलब क्या है, ये नॉर्मल ही बच्चा है, अद्भुत बच्चा है, इसके अंदर आत्मा कभी कभी आ जाती है नारायण की, इसीलिए वो हमारी रक्षा कर देते, गोवर्धन लीला कर दिया, ऋणावत कर दिया, लेकिन ये है साधारण। वो कभी भी नहीं मानते थे कि वो भगवान है ना। तो ये क्या है, क्योंकि भगवान को ये अच्छा लगता है कि उन पर भी कोई शासन करे, है ना, तो भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन हम माया के चक्कर में रहते हैं, लेकिन वो लीलाएं महामाया के चक्कर में नहीं होती है, वो योग माया के चक्कर में। हम दोनों लोग भूल जाते हैं कि हम भगवान, ये भगवान है, हम भी भूले हुए हैं, भगवान है माया, महामाया के चक्कर में। और यशोदा मैया को भी याद नहीं है कि वो कृष्ण है ना, लेकिन उनके भूलने में और हमारे भूलने में अंतर है। हम कृष्ण को प्रेम नहीं करते, लेकिन वो कृष्ण को इतना प्रेम करती है कि वो ये भूल जाती है कि उनकी भगवत्ता है, भगवान भगवान है, उनको अपना बेटा मानती है, प्रोटेक्शन करती है, गोपियां अपना लवर मानती है, फ्रेंड्स सखा जो उनको अपना फ्रेंड मानते हैं, है ना, और अपने बराबर समझते हैं। कोई इधर उधर नहीं समझता। कृष्ण परेशान है कि मुझे कोई भाव नहीं देता, बेचारे बड़े ब्रज में बुरी हालत रहती है, ब्रह्मा भी चकरा गया था, चारों सब इनका चकरा गया था, ये कैसा भगवान, ये खाना खाने बैठा है और सब उसका खान मुंह से छीन के खाते, हम लोग भोग लगाते, थाली लेके आते, मंत्र पढ़ते, भगवान भोग लगा, ये ऐसा भगवान भी छीन छान के खा रहा है। अब वो भी मतलब जो भक्तों के रखा हुआ जूठा खा रहा है उनको मुंह से निकाल के, ये भगवान है, तो ऐसा थोड़ा गड़बड़ा आ गया थे, ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे, तो हम लोग अगर मोहित होंगे तो क्या। कुंती महारानी यहाँ पे यही कहती है, फिर कुंती महारानी कहती है कि यहाँ पे कुंती ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे अपनी स्थिति के प्रति सतर्क थी, जिसके साक्षात भंग भय भी भयभीत रहती थी, आज यशोदा के भय से भयभीत है। मैंने बताया इतने ऑपोजिट जब सब चीजें चल रही हैं तो कुंती महारानी करेगी, भगवान आपने ऐसा किया, आप इतने महान होकर भी आप यशोदा के भय से आकांतरित थे, भाई कौन समझ सकता है आप, आपकी लीलाओं को समझने के लिए भक्तों का संग लेना बहुत जरूरी है। फिर कुंती महारानी कह रही है यहाँ पे देखिए, कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक जानकारियां हैं, वे काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं होती। हमें क्या होता है, हमें जानकारी, जब ऐसी कोई चीज हमारे सनातन धर्म से या आती है तो हम सोचते हैं अरे ये ऐसे ही लिख दिया गया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रामायण सभी जानते हैं ना, जब हनुमान जी जो थे उनको लंका जाना था, तुमने पढ़ा कि वो उड़कर चले। अभी नॉर्मल हम सोचे कि इतना बड़ा समुद्र उड़ के कैसे पार किया जा सकता है, तो हम क्या सोचेंगे ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं होगा। क्लियर हो रहा मतलब? तो आज हम उसके पास रीजंस के साथ जा सकते हैं कि सिद्धियां होती हैं, है ना, तो वो हनुमान जी अष्ट सिद्धि के लेने वाले थे, तो वो नॉर्मल लोग उड़ के चले जाते हैं इधर उधर, तो भगवान उड़ के चले गए हनुमान जी, तो कौन सी बड़ी बात है। क्लियर हो रहा है?
या हमें एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी कई चीजों के बारे में, तो हम सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं। कृष्णा प्लीज प्लीज आई आई लाइट जला दे, ये लाइट जला दी। अरे बोल बैठ बैठ, नीचे बैठने में दिक्कत तो नहीं है? चेयर दे दूँ? श्रीमद् भागवतम में जो कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ग्वाल कृष्ण पर आश्रित हैं और एक बार तालवन से कुछ फल लेना चाहते थे, किंतु जो गर्भासुर था है ना, भगवान तालवन गए ब्रज में, और क्या था, तालवन में इतने सुंदर वो थे फल थे, फल लगते थे और उससे खुशबू निकलती थी है ना, लेकिन उसका है ना वो कौन था, गर्भदासुर है ना। गर्भदासुर हाँ, गर्भदासुर क्यों था, इसके आचार्य लोग बताते हैं, सारी प्रॉपर्टी भगवान की है लेकिन जीव क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचता है, मेरी है, तो वो गधे के समान इसको, गर्भदासुर गधा गधा है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो रक्षा करता था, तो भगवान ने कहा, वो गए वहां पे और फिर उसको वध कर दिया। उसको वध करने के बाद सबने अच्छे से खाया पिया। तो इस तरह से भगवान जो है ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जो कि सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे कुंती महारानी यही बताती है, भगवान आपकी लीलाएं बहुत अचंभे में डालने का, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा साधु संघ में इनको सुनना चाहिए, तभी हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज हमारे डाउट्स क्लियर हैं। और मैं ये कह रही थी कि हमारे पास ऐसे एक्सेस नहीं है, तो हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हमारे दिमाग में ऐसी चीजें नहीं है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले पहले इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग कभी सोच सकते थे कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, इतने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कहे तो लोग सोचते हैं अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली आज साइंस जब एक्सेस कर रही है तो एग्जैक्टली वो चीजें प्रूवन हो रही है, वो प्रूव कर रही है कि ये ऐसा ही है ना। जैसे पहले ये होता था कि जो सूर्य है उसमें इतना आग होता है, यानी उसमें जीवन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा ऐसे एक्सेस देखे, तो कई मतलब ऐसे टेम्परेचर में भी जीवाणु मिल जीव है, सर्वगता भगवान जीव हर जगह है, तो जो जहां रहता है उस तरह का शरीर उसको मिलता है, जल में रहता है तो जल का शरीर रहता है, हम पृथ्वी पर हैं हमें पृथ्वी का शरीर मिलता है, इसी तरह सूर्य में जो रहता है उसको अग्नि शरीर मिलता है, क्लियर हो गया, तो वहां पे वो रह सकता है। तो आज प्रूफ हो रही है चीजें, आज पता चल रहा है कि हाँ ऑर्बिट पे ऐसे घूमता है, आज पृथ्वी का शेप गोल है ना, हमें तो बड़ा अवतार से पता था कि पृथ्वी गोल ही है भगवान ने जब पृथ्वी का उद्धार किया था है ना, हजारों साल पहले, तब भी पृथ्वी कैसी थी, गोल थी, हमारी पृथ्वी चौकोर थी कभी नहीं तो इस तरह से हम आज यही कुंती बनानी कह रहे हैं। तो और भी बातें पता, कुंती बनानी कहती है लास्ट पैराग्राफ, किंतु कुंती बनानी वृंदावन को की वासिनी नहीं है, वे वृंदावन के बाहर हस्तिनापुर की निवासी थी, इसलिए उनको ऐसा डाउट हो रहा था, ठीक है ना। वृंदावन ब्रज के जो लोग हैं वो भगवान को अपना मानते हैं, उनको डाउट नहीं होता है, उनको वो भगवान लगते ही नहीं है कभी। भगवान ने अग्नि लग गई जंगल में है ना, भगवान ने कहा भैया तुम आंख बंद कर लो, जैसे बच्चों ने आंख बंद की, भगवान ने सारा अग्नि पी लिया, सारा अग्नि पी लिया। ऐसे तो लोग सोचते हैं ऐसा हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल है ना भाई, कैसे नहीं पॉसिबल है भैया, कैसे नहीं पॉसिबल है ना, हमारा शरीर पंचतत्वों से बना है, अग्नि बनाने वाले भगवान वो क्यों नहीं पान कर सकते हैं? क्यों नहीं पान कर सकते हैं? है ना, पान करने के बाद जब बोलते हैं तो देखो मैंने तुम्हें बचाया था, तो फ्रेंड से बोलते हैं हम पता है था, अग्नि में तुम लोगों को बचाया था और आज हमको खेलने नहीं दे रहे हो मेरे साथ, भगवान कहते हैं तुमने बचाया था हमें, लेकिन जो तुम नारायण आ गए थे तुम्हारे ऊपर, तुमने क्या किया था, वो तो नारायण तुम्हारे ऊपर आ गए थे इसलिए तुमने ऐसा कर लिया, नहीं तो तुम्हारे तुम्हारा तो कुछ है, दूसरों के घर का तो मांग मांग के खाते हो। श्री प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कृष्णा बुक में, कि भगवान जब छोटे थे तो क्या करते थे, इवन गोपियों के घर में जाके बाथरूम करके आ जाते थे,
पेशाब करके चले जाते थे, छोटा बच्चा होता ना ऐसा हरकतें करता है, तो उसको भी अप्रिशिएट कर रहे थे महाराज, कह रहे थे कि दिस इतने घिनौनी चीज है ना, किसी घर में पेशाब करके बच्चा दे, कोई बोलेगा? दिस इज मेंशन इन श्रीमद् भागवतम, ये लीला भागवतम के पन्नों पर लिखी हुई है, यानी भगवान का कोई भी कार्य साधारण नहीं होता। हाँ, गर्म चर्म चर्म, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कैसे समझेंगे जब हम भक्तों का संग कर, जब हम भक्तों का संग नहीं करते तो हम ये सब चीजें नहीं समझ सकते। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि संग कर रहे हैं। कुंती महारानी लास्ट में कह रही हैं कि कृष्ण ने भगवद गीता में अपने विषय में बताया है कि हमें इससे अधिक समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण के विषय में अधिक जानने की झंझट नहीं उठानी चाहिए, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमें शुद्ध प्रेम को बढ़ाना है, यही जीवन की सिद्धि है, वो शुद्ध भक्तों के साथ ही हो। तो ये रहस्य का उद्घाटन कौन कर रही है? खुद कुंती मनानी कर रही है। और उनको डाउट क्यों हो रहा था दामोदर लीला में? क्योंकि वो वृंदावन के, प्रभुपाद लिखते हैं, वो वृंदावन की वासी नहीं थी, इसलिए उनको डाउट हो रहा था, बाहर से आई थी, तो उनको बड़ा अजीब लगता है, ये तो भगवान है, सारी दुनिया इनसे डरती है, और ये यशोदा के डंडे से डर रहे हैं, ये कैसा भगवान? तो भक्तों की लीलाओं को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करना होगा, ये कुंती मरानी का है। ठीक है, थैंक यू सो मच, शिल प्रपाद की जय, कुंती मरानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ठीक है, तो ये है कुंती मरानी की शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम, ये हम लोग कर रहे हैं, आप लोग जरूर आइए और इसको करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, शिल प्रपाद की जय, आप सभी गौर भक्तिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्णा।